हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का पार्ट 9 है। इसके पहले जो इस पर 8 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF ग्रुप डी, SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, और इसके अलावा दोस्तों अब मैं एक अन अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का अध्ययन जो है किस में किया जाता है? तो इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में जो है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लैपिडेटीरियोलॉजी। ठीक, लैपिडेटीरियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। ठीक, मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का। ठीक, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो ऊतकों से। किससे? ऊतकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी। ठीक, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जो है जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इंटेमोलॉजी। ठीक, इंटेमोलॉजी जो है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
तो मार्फोलॉजी, ठीक, मार्फोलॉजी के अंतर्गत जो है जंतु विज्ञान की बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? तो मायोलॉजी में, ठीक। मायोलॉजी में जो है मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी, ठीक। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर, ठीक। एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर, ठीक। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से जो है कौन से अंग का जो है अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का। किसका? स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध से, ठीक। वृद्ध से जो है जेरेंटोलॉजी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में जो है किससे संबंधित है? तो शिशु रोग से। किससे? शिशु रोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन किया जाता है तो किसके लिए उपयोगी है? तो अनुवांशिकी के लिए, ठीक। अनुवांशिकी के लिए जो है टिश्यू कल्चर उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, पारिस्थितिक विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध जो है किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से, ठीक। शरीर संरचना और वातावरण से जो है इकोलॉजी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।